वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुजरात की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि गुजरात से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गुजरात चुनाव आज बीजेपी जारी करेगी पहली लिस्ट। गुजरात चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज बीजेपी जारी करेगी पहली लिस्ट और पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों का होगा ऐलान। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें। अब बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय हुए हैं नाम। गुजरात के 8 नेताओं ने कहा है कि नहीं चाहिए टिकट। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है गुजरात चुनाव को लेकर, जहाँ पर बड़ी जानकारी सामने आई है विजय रूपाणी सहित 8 नेताओं का टिकट से इनकार कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विजय रूपाणी नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से भी सियासी दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और सभी दल गुजरात की जनता को लुभाने में जुट गए हैं। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में गुजरात की सभी 182 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है और गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो तैयार हो गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी 110 उम्मीदवारों के नाम का औपचारिक ऐलान करेगी। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी गई है और जानकारी के मुताबिक सीएम भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर सीएम भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया से चुनाव लड़ रहे सकते हैं। ऐसे बताया जा रहा है कि वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जबकि हार्दिक पटेल को बीर गमां से भी और अखिलेश ठाकुर राजनपुर से चुनाव को पार्टी का टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा भी, पत्नी रिवाजबा जडेजा का नाम भी बताया जा रहा है। जानकारी ये है कि क्रिकेट रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय किए गए हैं नाम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे गुजरात चुनाव को लेकर, जिसमें 8 नेताओं ने कहा कि उन्हें टिकट नहीं चाहिए। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, जहां पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है विजय रूपाणी सहित 8 नेताओं का टिकट से इनकार कर दिया गया है। तो गुजरात चुनाव को लेकर घमासान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है गुजरात चुनाव को लेकर, जहां पर गुजरात चुनाव में आज बीजेपी जारी करेगी पहली लिस्ट। एक और खबर बता दें आपको, जहां पंजाब से खबर सामने आ रही है, जहां पंजाब के ही बरगाड़ी में आरोपी की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि फरीदकोट बेअदबी मामले में ही आरोपी की हत्या का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, फायरिंग में एक गनमैन भी घायल बताया जा रहा है। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, फायरिंग में एक गनमैन भी घायल हुआ बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर बरगाड़ी में आरोपी की हत्या का मामला सामने आया है। पंजाब के बरगाड़ी में ही आरोपी की हत्या का मामला सामने आया। फरीदकोट बेअदबी मामले में आरोपी की हत्या का मामला सामने आया है। पंजाब के फरीदकोट में हुए बेअदबी मामले में ही आरोपी डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह और अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी और गोलीबारी में एक गनमैन भी घायल हुआ बताया जा रहा है। सुबह जब प्रदीप सिंह अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहा था, तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और इसके साथ ही गनमैन को गंभीर हालत में ही मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरीदकोट के ही बरगाड़ी में बेअदबी का ये मामला 12 अक्टूबर 2015 का बताया जा रहा है। इस मामले में पहले पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई SIT जाँच कर दी गई थी और उसके बाद से ही इस केस को CBI को सौंप दिया गया था। इस मामले में पंजाब के CM भगवंत मान ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि किसी को भी पंजाब की शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर पंजाब CM ने लिखा है ट्वीट पर कि पंजाब एक शांति प्रिय राज्य है, जहां लोगों को आपसी भाईचारा बहुत मजबूत है, किसी को भी पंजाब की शांति भंग करने की अनुमति
नहीं दी जाएगी। राज्य की शांति बनाए रखने के लिए नागरिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है पंजाब से, जहां पर फायरिंग में एक गनमैन घायल हुआ बताया जा रहा है। जानकारी है कि पंजाब के बलगाड़ी में आरोपी की हत्या का मामला है, जहां पर गनमैन जो है घायल बताया जा रहा है। फरीदकोट बेअदबी मामले में आरोपी की हत्या का मामला सामने आया। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे, दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शराब केस में दो और गिरफ्तारी कर ली गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर शराब केस में दो और आरोपियों की गिरफ्तारी का जो मामला है वो सामने आया है। गिरफ्तारी कर ली गई है और मामले ने ईडी ने ही शरद रेड्डी विनय बाबू को गिरफ्तार किया है। और दिल्ली आबकारी नीति में कथित फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि ईडी एक्शन में नजर आ रही है। मामले का सच सामने आने लाने के लिए ही एक बार एक प्रवर्तन निदेशालय कदम उठा रही है। तो अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक और कार्रवाई की है और दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए दो फार्मो कंपनियों के प्रमुख शरद रेड्डी और विनय बाबू को शिकंजा कसा है। बता दें आपको कि अब इन गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों से ईडी पूछताछ करेगी। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मामले ने ईडी ने शरद रेड्डी विनय बाबू को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये दो बड़े कारोबारी शरद रेड्डी और विनय बाबू आंध्र प्रदेश तेलंगाना मूल के रहने वाले हैं और कहा जा रहा है कि आरोपी का कारोबारी शरद रेड्डी का करोड़ों रुपए का जो है वो शराब कारोबार है। शरद रेड्डी को अरविंदो फार्म नाम की कंपनी का प्रमुख बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरे गिरफ्तार विनय बाबू और इसके साथ ही प्रमोद रिकॉर्ड नाम की फार्म कंपनी का प्रमुख बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर शराब केस में दो और गिरफ्तारी के मामले सामने आया है। और आपको बता दें कि मामले ने ईडी के शरद रेड्डी विनय को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि शराब केस में दो और गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, आज भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा फाइनल सेमीफाइनल मैच है। बता दें आपको कि आज भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल है और एडिलेड में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कल पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया और पाकिस्तान ने ही 7 विकेट से न्यूजीलैंड को हराया। T20 के फाइनल में पहुंचा है पाकिस्तान और T20 वर्ल्ड कप 2022 में आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा और भारत और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला एडिलेड ओवल में ही दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। तो दोनों टीमों के बीच ये 23वां T20 मैच होगा और इससे पहले हुए 22 मैचों में भारत ने 12 और इंग्लैंड ने 10 मुकाबले जीते हैं, यानी लगभग बराबर की टक्कर देखने को मिलेगी और बराबर की टक्कर रही है। और दोनों ही टीमों के लिए इस वर्ल्ड कप में जो सफर है वो अभी तक अच्छा रहा है और दोनों टीमों ने अब तक केवल एक एक मैच गवाया है। तो बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, T20 में सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचा है और इसके साथ ही आपको बता दें आज भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एडिलेड में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। बड़ी जानकारी आप बता दें आपको, कल पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया और जिसके बाद अब अपडेट सामने आ रही है कि पाक ने 7 विकेट से न्यूजीलैंड को हराया था। ये कल की खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है T20 के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान और आज भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल है एडिलेड में, दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। भारतीय टीम को जहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार झेलनी पड़ी है, वहीं अब इंग्लैंड को आयरलैंड के खिलाफ उलटफेर का सामना करना पड़ा है। फिलहाल दोनों टीमें लय में नजर आ रही हैं।
टीमों की गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अच्छा संतुलन दिखाई दे रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।